स्वागत आपका। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन एक और एपिसोड लेकर हाजिर हो चुका हूं। आज का एपिसोड खास है क्योंकि आज भाई दूज है और भाई दूज के अवसर पर आज हमने अर्ज किया कि टीम ने कहा कि चलिए आज भाई दूज स्पेशल आप लोगों के बीच इस कार्यक्रम को लाया जाए। और आज भाई दूज स्पेशल प्रोग्राम में हमारे साथ जो कवि और कवित्री जुड़ रहे हैं, तारुफ करा देते हैं। आज हमारे साथ रूपा राजपूत जी हैं। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका रूपा जी हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। रूपा जी, दिवाली वाले प्रोग्राम में भी आपने रूपा जी को देखा था, सुना था, बेहतरीन रहा था काव्य पाठ। रूपा जी के नज़दीक में उमंग भाई हैं। उमंग, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शानदार काव्य पाठ दीपावली में हमें देखने को मिला था और आज के इस स्पेशल एपिसोड में उमंग क्या कुछ लेकर आएंगे जाहिर तौर पर देखने को मिलेगा। उमंग के नज़दीक में धीर सुप्रिया जी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका धीर सुप्रिया जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज इस कार्यक्रम में शिरकत धीर सुप्रिया कर रही हैं, अर्ज किया का अलग अलग प्रोग्राम में शिरकत वैसे भी करती रही हैं। धीर सुप्रिया के नज़दीक में रजनी श्रीवास्तव हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया रजनी श्रीवास्तव आपका भी। और शानदार इस टीम ने, दरअसल दीपावली के मौके पर जो प्रोग्राम हुआ था, शानदार काव्य पाठ देखने को मिला था और आज भाई दूज का एक स्पेशल एपिसोड लेकर हाजिर हुए। भाई दूज का पर्व भी अपने आप में एक अनोखा पर्व होता है और शुरुआत में दरअसल रूपा राजपूत से करता हूँ। स्वागत कर रहा हूँ रूपा जी, इस पर्व पर क्या कुछ पेश करेंगे? बहुत बहुत आभार अब्दुल जी, आपको भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी सुनने वालों को, देखने वालों को मेरी तरफ से भाई दूज के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए रिश्ता, मुझे लगता है कि भाई बहन से प्यारा रिश्ता कोई है ही नहीं। वाकई में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लेकिन तब भी एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े होते हैं। तो मैं शुरुआत करूंगी अपनी उन चार पंक्तियों से, जो बहनें विवश हैं अपने भाइयों को टीका नहीं कर पाती हैं। कुछ के भाई परदेश गए हैं और कुछ के भाई सीमा पर खड़े हैं, ना वो राखी बांध पाती हैं, ना वो भाई दूज मना पाती हैं। तो याद आती है उन रस्मों की, जब भाई नहीं होते तो उन्हीं रस्मों को याद करके, उन्हीं पलों को याद करके मैंने अपनी चार पंक्तियाँ लिखी, आप लोगों को समर्पित करती हूँ। स्वागत है कि बरसो बरसो रास्ता देखे, बरसो बरसो रास्ता देखे बहना अपने भाई का। अच्छा, बरसो बरसो रास्ता देखे बहना अपने भाई का। सजा थाल में करे प्रतीक्षा रक्षा सूत्र कलाई का। सजा थाल में करे प्रतीक्षा रक्षा सूत्र कलाई का। रीति रिवाज सुनी सुनी जब से है परदेश गया। रीति रिवाज सुनी सुनी जब से है सरहद गया। रिश्ता से इस रहा हो जैसे, रिश्ता से इस रहा हो जैसे रस्मों और रुलाई का। अच्छा, रिश्ता से इस रहा हो जैसे रस्मों और रुलाई का। उसी कड़ी में एक मुक्तक और कि देखिए बहना क्या चाहती है, याद कर रही है अपने भाई को कि तेरी बहना गले तुझको लगाना चाहती भैया। तेरी बहना गले तुझको लगाना चाहती भैया। सभी त्योहार राखी मिल मनाना चाहती भैया। सभी त्योहार राखी मिल मनाना चाहती भैया। महज फोटो पिटी का अब नहीं मुझको सुहाता है। हमारे गोलों पर भी टीका करते हैं कि महज गोलो पिटी का अब नहीं मुझको सुहाता है। मेरी रोली तेरे माथे पे जाना चाहती भैया। मेरी रोली तेरे माथे पे जाना चाहती भैया। और भाई दूज का पर्व है, मैं भी अपने गांव जाऊंगी भाई दूज मनाने। तो मैं क्या चाह रही हूँ, अब इतने वर्षों बाद मायका छूटे बहुत समय हो गया है, तब मैं कहती हूँ जी कि हाथ पकड़ कर भैया फिर से गांव में अपने घूमू मैं। अच्छा, हाथ पकड़ के भैया फिर से गांव में अपने घूमू मैं। आम की बगिया झील किनारे साथ तुम्हारे झूमू मैं। आम की बगिया झील किनारे
साथ तुम्हारे झूमू में हाँ। वही शरारत बचपन वाली सारी करनी चाह रही हाँ। वही शरारत बचपन वाली सारी करनी चाह रही। भैया मेरे साथ रहो तुम उड़ के गगन को चूमू मैं। भैया मेरे साथ रहो तुम उड़ के गगन को चूमू मैं। और कुछ पंक्तियां और मैं रखकर, क्योंकि देखिए हंसी खुशी का पर्व का माहौल है और हम यूपी में रहते हैं, तो चार पंक्तियां कि भाई दूज को भाई दूज की तरह मनाइएगा। आप लड़के हैं पुरुष हैं तो अपने होने का गर्व कीजिएगा, आपकी वजह से कोई लड़की असहज ना हो। और वैसे भी हमारे यहाँ तो योगी जी की सरकार है तो वैसे भी अगर आपकी वजह से कोई लड़की असहज होती है तो फिर वो योगी बाबा देखेंगे हाँ, तो आप असहज हो सकते हैं। तो तब चार पंक्तियां मैं कहती हूँ कि मेरी उल्फत की वायर से कभी तुम बच न पाओगे। मेरी उल्फत की वायर से कभी तुम बच न पाओगे। मेरे दिल की डिजायर से कभी तुम बच न पाओगे। मेरे दिल की डिजायर से कभी तुम बच न पाओगे। करोगे सो जतन तुम तो हमारे पास आने को। करोगे सो जतन तुम तो हमारे पास आने को। योगी बाबा की फायर से कभी तुम बच न पाओगे। योगी बाबा की फायर से कभी तुम बच न पाओगे। बेहतरीन 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 शानदार जी। बढ़ते हैं आगे और उमंग के पास पढ़ते हैं। उमंग भाई स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको भाई दूज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे जीवन का अगर मैं कुछ बुरा है तो ये है कि कोई मेरी बहन नहीं है। मैं अभागा हूँ। मैं एक गीत पढ़ना चाहता हूँ। कहता हूँ कि जैसे बिन फूलों के होता आंगन का आधार नहीं। जैसे बिन फूलों के होता आंगन का आधार नहीं। वैसे बहना तुम बिन मेरे जीवन का आधार नहीं। जैसे पतझड़ के मौसम में एक बहार जरूरी है। जैसे पतझड़ के मौसम में एक बहार जरूरी है। वैसे ही ये प्यार तुम्हारा हमको यार जरूरी है। वैसे ही ये प्यार तुम्हारा हमको यार जरूरी है। जैसे बिन बारिश के बहना सावन का आधार नहीं। जैसे बिन बारिश के बहना सावन का आधार नहीं। वैसे बहना तुम बिन मेरे जीवन का आधार नहीं। बाद तुम्हारे आने के सब हम कल्पना करते हैं कि मेरी कोई बहन होती तो मुझे इंतजार नहीं करना पड़ता कि कौन आएगा और मेरे माथे पे तिलक करेगा। बाद तुम्हारे आने के सब अच्छा अच्छा लगता है। ख्वाबों में भी साथ तुम्हारा हमको सच्चा लगता है। ख्वाबों में भी साथ तुम्हारा हमको सच्चा लगता है। प्यार बिना जैसे कोई भी बंधन का आधार नहीं। प्यार बिना जैसे कोई भी बंधन का आधार नहीं। वैसे बहना तुम बिन मेरे जीवन का आधार नहीं। अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबको भाई दोस्त। बहुत शानदार भाई। बिन बहना क्या ही जीवन है भाई के। लेकिन यहाँ पर हैं बहनें खड़ी, उन्होंने कह दिया, सुप्रिया जी कह रही हैं। और बढ़ते हैं आगे, सुप्रिया जी के पास बढ़ते हैं। स्वागत कर रहा हूँ सुप्रिया जी। सभी दर्शकों को बहुत बहुत भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। और सबसे पहले मैं अपनी चार पंक्तियां देश को सरहद पे खड़े भाइयों को समर्पित करती हूँ। तत्पश्चात अपने मुक्तक छंद गीत पर आती हूँ। सबसे पहले उनको बधाई सरहद पे खड़े जो मेरे भाई। सबसे पहले उनको बधाई सरहद पे खड़े जो मेरे भाई। जिनके कारण चैन की नींद सोते हैं हम ओढ़ रजाई। सर्दियाँ आ रही हैं, रजाई की जरूरत पड़ेगी। उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। हालांकि हम आभार उनका व्यक्त नहीं कर सकते, फिर भी उन्हीं के कारण हम सुरक्षित हैं। और
पंक्तियां समर्पित करती हूँ भाई दूज के लिए कि मेरी क्या इच्छा है। नजर न लगे तुमको, नजर न लगे तुमको मेरी उम्र लग जाए, नजर न लगे तुमको मेरी उम्र लग जाए, दुनिया की नियामत तेरे हिस्से में आए, तेरे हिस्से में आए, तेरे हिस्से में आए। साथ साथ खेले कूदे, जब भाई साथ होता है तो कैसे महसूस होता है। साथ साथ खेले कूदे, साथ ही हुए बड़े, साथ साथ खेले कूदे, साथ ही हुए बड़े, लगे पूरी फौज है जब भाई संग चलें, जब भाई संग चलें, जब भाई संग चलें, खून का रिश्ता हो चाहे धर्म का भाई, बंधन है प्रेम का भाई दूज की बधाई, भाई दूज की बधाई, भाई दूज की बधाई। रे तो बात रही भाइयों की, कई बार भाभी भी घर की नाराज हो जाती हैं अब्दुल जी, कई बार घर की जो भाभी होती नाराज हो जाती है कि भाइयों के लिए आप लोग कविता पढ़ के आ गई, भाभी के लिए कुछ नहीं रहा, तो भाभी दूज भी मना लेते हैं साथ में। तो जैसा कि पहले के समय में जो हमारे घर का पुरुष होता था वो जॉब वर्क पे जाता था, महिलाएं घर के काम कार्य संभालती थी, लेकिन अब समय परिवर्तन हो गया और समय की जरूरत भी हो गई, दोनों वर्किंग हो गए, तो घर परिवार बच्चे संभालते संभालते जब कभी जो भाभी होती हैं बहू रानी हमारे घर की पजल्ट हो जाती हैं, तब क्या कहती हैं, पंक्तियां समर्पित करती हैं। मांग भरे हो तो डिमांड भरोगे, मांग भरे हो तो डिमांड भरोगे, हम नौकरी करेंगे सनम तुम क्या करोगे, सनम तुम क्या करोगे। मांग भरे हो तो डिमांड भरोगे, मांग भरे हो तो डिमांड भरोगे, हम नौकरी करेंगे सनम तुम क्या करोगे, सनम तुम क्या करोगे। पजल ढोने कहती हैं, बाकी मन अंदर से होता है। आगे बहू रानी क्या कहती हैं, बहू बन के आए रानी बने रहने दो, बहू बन के आए रानी बने रहने दो, जादे के इरादे में फजीहत न करो, फजीहत न करो, अच्छा है, फजीहत न करो। मांग भरे हो तो डिमांड भरोगे, मांग भरे हो तो, जैसे कि करवा चौथ से लेकर भाई दूज तक डिमांड चलेगा, उनके दो डिमांड ड्राफ्ट होता है, कभी भरता नहीं। बहू बन के आए रानी बने रहने दो, बहू बन के आए रानी बने रहने दो, जादे के इरादे में फजीहत न करो, फजीहत न करो। टैलेंट होगा तो कुछ बन ही जाएंगे, टैलेंट होगा तो कुछ कर ही जाएंगे, जॉब करके दिन भर सर सर न कहेंगे, सर सर न कहेंगे, जॉब करके दिन भर सर सर न करेंगे, सर सर न करेंगे। मांग भरे हो तो डिमांड भरोगे, मांग भरे हो तो डिमांड भरोगे, हम नौकरी करेंगे सनम तुम क्या करोगे, सनम तुम क्या करोगे। क्या करेंगे सुनिएगा, सागर। सैलून जाएंगे, सैलून जाएंगे श्रृंगार करेंगे, सैलून जाएंगे श्रृंगार करेंगे, सज धज के अपने पति का इंतजार करेंगे, इंतजार करेंगे। बॉस के बजाय अपने पति की सुनेंगे, बॉस के बजाय अपने पति की सुनेंगे, घर ऑफिस घन चक्कर में हम न पड़ेंगे, घर ऑफिस घन चक्कर में हम न पड़ेंगे, हम न पड़ेंगे। मांग भरे हो तो डिमांड भरोगे, मांग भरे हो तो डिमांड भरोगे, हम नौकरी करेंगे सनम तुम क्या करोगे, सनम तुम क्या करोगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, हम नौकरी करेंगे सनम तुम क्या करोगे, सनम भी नौकरी करेंगे, घर के काम में सहयोग नहीं करेंगे, आपके लिए गीत बहुत जरूरी था, हम सहयोग भी कर लेंगे। बिल्कुल, चलिए स्वागत कर रहा हूँ रजनी जी, रजनी का रजनी स्वागत। भाई दूज के पावन पर्व की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं सीधे सीधे अपनी पंक्तियां पढ़ती हूँ।
कि हम बहनों के खातिर तो ये पावन दिन है बंधन का, कि हम बहनों के खातिर तो ये पावन दिन है बंधन का, मनाए आज हम त्योहार रूली और चंदन का, मनाए आज हम त्योहार रूली और चंदन का, जमाने की कोई सौगात, जमाने की कोई दौलत कोई सौगात ना मांगू, जमाने की कोई दौलत कोई सौगात ना मांगू, जो तुम आओ मेरे भैया मिले उपहार जीवन का, जो तुम आओ मेरे भैया मिले उपहार जीवन का। और एक छोटा सा गीत है, बचपन से लेके विवाह तक की जो हम बहनों की जो यात्रा होती है, बचपन से लेके जो हमने भाई बहन के साथ शेयर किया है, वो इस छोटे से गीत में कोशिश की है, सुनिए। कि छोटी छोटी बातों में हो जाती है तकरार, छोटी छोटी बातों में हो जाती है तकरार, ऐसा ही तो होता है हम भाई बहन का प्यार, ऐसा ही तो होता है हम भाई बहन का प्यार। बंद रखती हूँ, बचपन की सैर कीजिएगा। पलक झपकते बीत गए जो दिन वो बड़े सुहाने थे, पलक झपकते बीत गए जो दिन वो बड़े सुहाने थे, छुक छुक रेल चलाते थे हम हर गम से अनजाने थे, छुक छुक रेल चलाते थे हम हर गम से अनजाने थे, एक दूजे से खूब झगड़ते थे दिन में 10 बार, एक दूजे से खूब झगड़ते थे दिन में 10 बार, ऐसा ही तो होता है हम भाई बहन का प्यार, ऐसा ही तो होता है हम भाई बहन का प्यार। और ये भी, बड़ी हुई वो दिन भी आया थी ससुराल में जाने को, बड़ी हुई वो दिन भी आया थी ससुराल में जाने को, भैया के संग सबकी आंखों में आंसू थे आने को, भैया के संग सबकी आंखों में आंसू थे आने को, मेरी जीत के खातिर वो हर दम जाते थे हार, मेरी जीत के खातिर हर दम जाते थे वो हार, ऐसा ही तो होता है हम भाई बहन का प्यार, ऐसा ही तो होता है हम भाई बहन का प्यार। और इस गीत का अंतिम बंद जब भाई दूज का त्योहार हम थाली लगाते हैं, सुनिएगा। रोली अक्षत चंदन से मैंने ये थाल सजाई है, रोली अक्षत चंदन से मैंने ये थाल सजाई है, और तुम्हारे पसंद की भैया रखी सभी मिठाई है, और तुम्हारे पसंद की भैया रखी सभी मिठाई है, बड़े दूज के चांद के जैसे खुशियों का संसार, बड़े दूज के चांद के जैसे खुशियों का संसार, ऐसा ही तो होता है हम भाई बहन का प्यार, छोटी छोटी बातों में हो जाती है तकरार, छोटी छोटी बातों में हो जाती है तकरार, ऐसा ही तो होता है हम भाई बहन का प्यार, ऐसा ही तो होता है हम भाई बहन का प्यार। बहुत सुंदर, बहुत शानदार, बेहतरीन। और ऐसा ही होता है वैसे भाई बहन का प्यार, जो आपने ही बताया था, लड़ाई झगड़ा जितने भी हो ले फिर मेलजोल भी आपस में ही रहेगा। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद, वक्त हमें इतनी इजाजत दे रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए, और आप दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप सबको भी भाई दूज की खास शुभकामनाएं। और अर्ज किया कि टीम की ओर से आप सभी को जो पावन पर्व चल रहे हैं उन सबकी ढेर सारी शुभकामनाएं, शुक्रिया।